काव्य त्रण स्वस्थ वृतम समाचर स्वस्थ आचरण कर। महाकवि कालिदासे कुमार संभवमां पांचमा सर्ग में एक प्रसंग में कह्यु छे के धर्म करवा माटेनुं सौथी प्रथम साधन शरीर छे। माणस पासे धर्म करवा माटे भले घणी बधी वस्तुओं उपलब्ध होय पण जो स्वस्थ शरीर न होय तो बधी वस्तुओ नकामी छे। माणसनुं शरीर स्वस्थ रहे ते माटे केटलाक उपायो करवाना रहे छे। तेमानो एक उपाय दिनचर्या एटले के रोजबरोजनी क्रियाओ छे। माणसनी दिनचर्या सारी होय तो तेनुं स्वास्थ्य सारूं रहे छे। आयुर्वेदना प्राचीन विद्वानों अने आधुनिक चिकित्सा विज्ञानना ख्यातनाम विद्वानों आ बाबतमां एक रीते संमत छे। प्रस्तुत पाठमां मानवीनी आदर्श दिनचर्या आलेखवामां आवी छे। आ दिनचर्यामां मात्र खावा पीवा चालवा सूवा उठवा बेसवानी बाबतोनो समावेश नथी थतो, परंतु मानव जीवनना उत्तम नैतिक आदर्श मनाता सज्जन संगति गुरुजनों प्रत्येनो आदर विद्या प्राप्ति माटे सतत उद्यमशीलता सत्यनु परिपालन जेवा सद्गुणों ने पण दिनचर्यानो भाग मानवामां आव्या छे। पहेलो श्लोक छे, बाल उत्तिष्ठ शय्यातः स्वस्थ वृतम समाचर स्मर जगत विधातारम ततः शुद्धम जलम पीब। एनु भाषांतर जोई लीए, शय्यातः एटले पथारी माथी, उत्तिष्ठ एटले ऊभो था, स्वस्थ वृतम समाचर स्वस्थ आचरण कर। आखू भाषांतर जोईए, हे बाळक पथारी माथी उठ, स्वस्थ आचरण कर, ईश्वर ने याद कर अने पछी तू चोख्खू पाणी पी। बीजो श्लोक छे, शतम पदानी निष्क्रम्य शोचार्थ गच्छ सत्वरम फेनिलेन करो कृत्वा शुद्धो व्यायाम आचर। 100 डगला बहार चालीने तू शोज क्रिया माटे जल्दी थी जा, साबु थी बे हाथ चोखा करीने तू कसरत कर। फेनिल एटले साबु। त्रીજો શ્લોક છે, તેલમ મર્દય કાયે ત્વમ તતઃ સ્નાનમ સમાચર યથા વિધિ જલેનેવ વસ્ત્રમ સ્વીયમ પ્રધાવય। સ્વીયમ એટલે પોતાનું અને પ્રધાવય એટલે સાફ કર, ચોખ્ખું કર। એનું ભાષાંતર જોઈ લઈએ, તું શરીર પર તેલથી માલિશ કર, પછી સ્નાન કર અને પાણી વડે જ વિધિપૂર્વક પોતાનું વસ્ત્ર બરાબર સાફ કર। पूर्वाभिमुख मासीनः कुरु संध्या विधिं तथा वंदस्व पीतरोः नित्यं प्रातराशं अशान च। अशान एटले खावू अने प्रातराशं एटले सवारनो नास्तो। पूर्व दिशा तरफ मुख राखीने तू संध्याकाळनी उपासना कर, हमेशा माता पिता ने वंदन कर अने सवारनो नास्तो कर। पाठशालां समं मित्रेह गच्छ पाठं तथा पठ एवं समादिशत पुत्रम तातः पुत्र हिते रतः। समादिशत एटले आदेश आपो, मित्र साथे तू निशाळे जा अने पाठ वाँच, ए प्रमाणे पुत्रना हितमां रहेला एवा पिताए पुत्रने आदेश आप्यो। त्यज दुर्जन संसर्ग भज साधु समागमम कुरु पुण्यम अहोरात्रम स्मरनाम हरेह सदा। अहोरात्र एटले दिवस रात, तू दुष्टोनो संग छोड़, सज्जनोनी संगति कर, दिवस रात तू सारा कर्मों कर अने हमेशा ईश्वरनु स्मरण कर। प्रविचार्योत्तरम देयम सहसा न वदेह क्वचित शत्रोरपि गुणाहा ग्राह्या दोषास्त्यजाहा गुरुरोपि। पाक्को विचार करीने जवाब आपवो, क्यारेय पण वगर विचारे न बोलवू, सहसा एटले तरत ज वगर विचार्यू, શત્રુના ગુણોને સ્વીકારવા અને વડીલોના દોષને ત્યાગી દેવા। ધ્યેયમ સનાતનમ બ્રહ્મહેયમ દુઃખમ અનાગતમ કાયિકમ સુખમ આદેયમ વિધેયમ જનસેવનમ। પરમેશ્વરનું ધ્યાન ધરવું, ન આવેલ દુઃખનો ત્યાગ કરવો, અનાગતમ દુઃખમ હેયમ, અનાગતમ એટલે ન આવેલ, હેયમ એટલે ત્યાગ કરવો, કાયિકમ એટલે શરીર સંબંધી, પરમેશ્વરનું ધ્યાન ધરવું, ન આવેલ દુઃખનો ત્યાગ કરવો, શરીર સંબંધી સુખને સ્વીકારવું અને લોકોની સેવા કરવી।